डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास सिक्स की इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। कल हम लोगों ने लेसन टू पढ़ा था, आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। लिखा है, सडनली द लॉन्ग स्पाइकी ब्रांचेज ऑफ द फायर ट्री वेयर चेंज्ड इनटू फाइन ग्रीन एंड सॉफ्ट लीव्स। सडनली माने अचानक से, द लॉन्ग स्पाइकी, स्पाइकी मीन्स कांटेदार, लंबी कांटेदार ब्रांचेज मीन्स शाखाएं, ऑफ द फायर ट्री देवदार के पेड़ की, वेयर चेंज्ड इनटू फाइन ग्रीन एंड सॉफ्ट लीव्स। फाइन मीन्स सुंदर, ग्रीन मीन्स हरी, एंड सॉफ्ट लीव्स, सॉफ्ट लीव्स मतलब मुलायम पत्तियों। अचानक देवदार के पेड़ की लंबी कांटेदार शाखाएं, सुंदर हरी और मुलायम पत्तियों में बदल गई थी। अचानक देवदार के पेड़ की लंबी कांटेदार शाखाएं, सुंदर हरी और मुलायम पत्तियों में बदल गई थी। द फायर ट्री वॉज वेरी हैप्पी टू हैव ग्रीन लीव्स। देवदार का पेड़ अपनी हरी पत्तियों से बहुत प्रसन्न हुआ। देवदार का पेड़ अपनी हरी पत्तियों से बहुत प्रसन्न हुआ। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, ए हंग्री गोट, एक भूखी बकरी, केम टू द हिल एंड एट ऑल द ग्रीन एंड सॉफ्ट लीव्स ऑफ द फायर ट्री। ए हंग्री गोट, एक भूखी बकरी, केम टू द हिल, पहाड़ी पर आई, एंड और एट ऑल द ग्रीन एंड सॉफ्ट लीव्स ऑफ द फायर ट्री। और देवदार के पेड़ की हरी और मुलायम पत्तियाँ खा डाली। अगले दिन एक भूखी लोमड़ी पहाड़ी पर आई और उसने देवदार के पेड़ की हरी और मुलायम पत्तियों को खा डाला। एलॉस, अफसोस, एलॉस मतलब अफसोस, ऑल माई लीव्स आर ईटन बाई दिस गोट, मेरी सभी पत्तियाँ इस बकरी ने खा डाली है। अफसोस, मेरी सारी पत्तियाँ इस बकरी ने खा डाली है। इफ़ आई हैड गोल्ड लीव्स देन नो एनिमल वुड ईट देम, शाउटेड द फायर ट्री। इफ़ मैंने, यदि आई हैड गोल्ड लीव्स, मेरे पास गोल्ड मीन्स सोने, लीव्स मैंने पत्तियाँ, सोने की पत्तियाँ, यदि मेरे पास सोने की पत्तियाँ होती देन, तब नो एनिमल वुड ईट देम, तब कोई भी जानवर उन्हें नहीं खा सकता था। शाउटेड द फायर ट्री, शाउटेड माने चिल्लाया, देवदार का पेड़ चिल्लाया, देवदार का पेड़ चिल्लाया कि यदि मेरे पास सोने की पत्तियां होती तो कोई भी जानवर उन्हें नहीं खा सकता था। सून द फायर ट्री फाउंड दैट इट लीव्स वेयर सडनली चेंज्ड इनटू द लीव्स ऑफ गोल्ड। सून माने जल्दी ही, द फायर ट्री देवदार के पेड़ ने, फाउंड मीन्स पाया, दैट मीन्स कि, जल्दी देवदार ने के पेड़ ने पाया कि इट लीव्स उसकी पत्तियाँ वेयर सडनली चेंज्ड अचानक बदल गई थी इनटू द लीव्स ऑफ गोल्ड सोने की पत्तियों में। जल्द ही देवदार के पेड़ ने पाया कि उसकी पत्तियां अचानक सोने की पत्तियों में बदल गई थी। द लिटिल फायर ट्री वॉज वेरी प्लीज्ड विद दिस चेंज। द लिटिल फायर ट्री, छोटा देवदार का पेड़, वॉज वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न हुआ विद दिस चेंज, इस बदलाव से।
छोटा देवदार का पेड़ इस बदलाव से बहुत प्रसन्न हुआ। द अदर डे ए पासर बाई केम टू द वे। द अदर डे दूसरे दिन ए पासर बाई, ए पासर बाई मतलब राहगीर, राहगीर दूसरे दिन एक राहगीर केम टू द वे उस रास्ते से आया। दूसरे दिन एक राहगीर उस रास्ते पर आया। ही सा द गोल्ड लीव्स एंड स्टोल ऑल ऑफ देम। उसने सोने की पत्तियां देखी और उन्हें चुरा लिया। उसने सोने की पत्तियां देखी और उन्हें चुरा लिया। अब आप सभी इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास।